वेलकम टू टाके विदेश है दोस्तों। मैंने 10 सितंबर को एक वीडियो बनाया था और इसमें बताया था आज ही कल में UPSC की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा और वीडियो के रिजल्ट के बारे में जानकारी दी थी। और मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल टाके विदेश यहाँ पर भी आज ही देखिए ये मैसेज करके बता दिया था, हिंट दिया था, रेडी, बहुत लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है क्योंकि 2018 की भर्ती है वीडियो और इसका फाइनल रिजल्ट आज जारी किया गया है। देखिए 5 अगस्त को धरना प्रदर्शन हुआ था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें जानकारी मिली थी कि अगस्त में नहीं आएगा और सितंबर स्टार्टिंग में आएगा। और जब सितंबर स्टार्टिंग आया तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सितंबर के 2 सप्ताह के अंदर वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा और मैंने कटाप भी बता दी थी बहुत पहले ही और आज भी टेलीग्राम पर बताई थी, फिर बाद में मैंने हटा दी क्योंकि कटाप बताना सही नहीं होता है इसी वजह से। तो जो कटाफ बताई थी वही लगभग कटाफ गई है और यहाँ पे जो भी जानकारी गई दी गई है यूपीएससी के संबंध में इस चैनल के द्वारा तो वो हमेशा सच ही साबित हुई है। तो आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा सही जानकारी दी जाती है यूपीएससी की भर्तियों के अपडेट पाने के लिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ भी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से 12 सितंबर 2024 का ये नोटिस है और इंतजार, एक लंबा इंतजार समाप्त हुआ है। विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018 सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। तो इसमें 3 तरह की भर्तियाँ हैं और 3 तरह के अलग अलग भर्तियों का चयन हुआ है। तो टोटल भर्तियाँ हैं वो हैं 1953, ठीक है, और कितने 1950 अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये 3 तरह की जो भर्तियां हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, तो उसमें कुल कितने कितने अभ्यर्थी जो हैं पास किए गए हैं और किस श्रेणी में, इस हिसाब से यहाँ पे डिटेल दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा नोटिस है और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये पूरे आरक्षण के हिसाब से ये डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है सभी का, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी बधाई और आज का दिन आपको लोगों के लिए शुभ है, आज आपका ही दिन है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कटाफ, तो मैंने बताई थी 1 से 14 प्लस माइनस 2, तो जो कटाफ बताई थी वो अनारक्षित मतलब जनरल की बताई थी। तो यहाँ पे 214 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 214 ही कटाफ गई है, ठीक है। जो कटाफ बताई थी बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटाफ गई है। अनुसूचित जात की 188 और अनुसूचित जनजाति की 161, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो OBC की 209, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय आरक्षण भी दिया गया है। ये कटाफ है ग्राम पंचायत अधिकारी की। अब नीचे आते हैं, बात कर लेते हैं ग्राम विकास अधिकारी की, तो इसकी कटाफ 213.5 कुछ और अनुसूचित जाति की 187 और अनुसूचित जनजाति की 160 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 209, ठीक है, ये कटाफ गई है। और कल्याण पर्यवेक्षक की बात करें तो 219, ठीक है, अनुसूचित जाति की 118, 210 अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो ये कटाफ गई है, ठीक है। क्षेत्रीय आरक्षण के हिसाब से भी कटाफ दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी और UPSC की जो भी अपडेट दी जाती है यहाँ पे 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार।